Dear students, in this topic we shall discuss the sliding filament theory of muscle contraction. This theory was presented by H. E. Huxley and A. F. Huxley in 1954. It states that during muscle contraction, the thin and thick filaments in a sarcomere slide past each other and undergo shifting when a muscle contracts the thin filaments between the thick uh, slide between the thick myosin filaments and move closer to the center of sarcomere as a result the sarcomere becomes shorter. That is, thin filaments slide past the thick filaments. As a result, the length of sarcomere is shortened. When a muscle relaxes or it is stretched, the overlap. Between the thin and thick filaments is reduced. As a result, the sarcomere elongates. These changes in sarcomere length during stretch and contraction correspond to the changes in overall muscle length. Dear students, now we shall explain the sliding filament theory. Actually, in the relaxed muscle fiber, the thin and thick filaments overlap only at a small region of a bend. When sliding begins, there is formation of cross bridges. बिटवीन दिक एंड थीन फिल्मेंट ड्यू टू दायोसिन विदिन प्रोटीन एट स्पेसिफिक साइट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन दैंड मेंटेन्स ए कॉन्स्टेंट लेंथ ए बैंड जो है ये अपनी लेंथ को मेंटेन रखता है ये कहीं पर मूव नहीं करता और इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो कॉन्स्टेंट रहती है लेकिन कॉन्ट्रेक्शन के दौरान में आई बैंड और एच जोन शॉर्टर हो जाते हैं क्योंकि ये स्लाइड पास्ट कर जाते हैं और उस एरिया में चले जाते हैं जो ए बैंड का जोन है लिहाजा आई बैंड मुखसर हो जाता है और एच जोन इसलिए छोटा हो जाता है कि वहां पर सिर्फ मायोसिन फाइबर्स थे लेकिन अब उस रीजन में भी थीन एक्टिन फाइबर्स एंटर हो जाते हैं इसका ओवरऑल इफेक्ट चूंकि शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर है इसलिए जो दो सक्सेसिव जी लाइन होती हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाती है वेन द मसल इज स्ट्रेच देन बैंड अगेन मेंटेन्स इट्स साइज बट द आई बैंड एंड एच जोन बिकम लॉन्गर क्योंकि ओवरलैप का जो रीजन था वो कम होता है और उसके नतीजे में आई बैंड जो है वो इंक्रीज कर जाता है और उसमें सिर्फ थिन फाइबर्स रह जाते हैं जबकि एक्टोन जो कि शॉर्ट हो गया था बिकॉज के मायोसिन का वो वाला हिस्सा जहां पर थिन फाइबर्स नहीं थे वो वहां पे थिन फाइबर्स आ गए थे जहां पे सिर्फ मायोसिन थी तो ये वाला रीजन एक्सपेंड कर जाता है ये स्टूडेंट्स, इन ऑल दिस फिना और ऑल दिस प्रोसेस नीदर मायोसिन थिक

फिंगर्स का साइज जितना भी है अगर इनका ओवरऑल जो एरिया ये ले रही हैं, अगर ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी तो कोई भी फिंगर छोटी नहीं हो रही लेकिन एक्चुअली जो रीजन इन्होंने कवर कर रखा था वो स्मॉल हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली दिस हैपन्स इन दी सार्कोमियर डियर स्टूडेंट्स ये जो थ्योरी हग्जले एंड हग्जले ने दी थी स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की इसका एविडेंस प्रैक्टिकल एविडेंस हमें हासिल होता है लेंथ टेंशन कर्व ड्रॉ करने से ये जो लेंथ टेंशन कर्व ड्रॉ की जाती है ये एक्सप्लेन करती है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को जिसमें के हम सार्को की लेंथ को मैयर करते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन और उसको कंपेयर करते हैं फोर्स जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्शन और इसका रिजल्ट Jo hai, usko draw kiya jata hai in the form of a length tension curve. This length tension curve actually explains the major assumptions of sliding filament theory. Dear students, we can see here a length tension curve. We shall explain the major points of this curve. You know that.

टेंशन इज रिड्यूस्ड विद इंक्रीज लेंथ ऑफ सार्कोमियर जो जो सार्कोमियर बड़ा होता है ये जो टेंशन है ये कम होती चली जाती है क्योंकि थिक और थिन फिलामेंट्स का जो ओवरलैप है ये कम होता चला जाता है और कम क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं इसी तरह से ये जो मसल टेंशन है या सार्कोमियर की टेंशन है इट रिड्यूसेस विद डिक्रीज लेंथ जब सार्कोमियर की लेंथ ज्यादा कम हो जाती है तो भी टेंशन में कमी आ जाती है क्योंकि ऐसे में एक्टिन के फिलामेंट जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करने लग जाते हैं तो क्रॉस ब्रिजेस ज्यादा नहीं बनते एक्चुअली दिस इज नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस जो के टेंशन uh, प्रोड्यूस करता है सार्कोमियर में ये स्टूडेंट ये जो Curve है इट आल्सो ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ ए सार्कोम सो फार दैट देयर रिमेन्स नो ओवरलैप बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स एक ऐसी स्टेज भी आती है कि अगर बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेच हो जाए मसल तो एक्टिन और मायोसिन के फाइबर्स में या फिलाेंट्स में कोई ओवरलैप नहीं रहेगा ऐसे में देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी टू फॉर्म एनी क्रॉस ब्रिजेस So, no active tension will develop. Dear students, this curve shows that the tension produced by the contraction of sarcomere is proportional to its shortening, which, according to the sliding filament theory, is due to sliding of thick and thin filaments and formation of cross bridges in the sarcomere during contraction.